अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहाज मिला। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टोटल पाकिस्तान, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बहुत ही कम उम्र नौजवान प्रोफेसर से, जिन्होंने अपनी अकेडमी बनाई और अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो क्या नाम है आपका भाई? जी मेरा नाम है जी औरंगज़ेब अली बाबर। तो आपने ये अकेडमी कब बनाई? जी ये हमारी फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 16वीं एकेडमी है, उसके बाद अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है इस इलाके में, और इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह एक साल तकरीबन होने वाला है इस एकेडमी को बनाए हुए। आपको ये एकेडमी का आइडिया कहाँ से आया? एकेडमी का आइडिया, इंसान को जब भी कोई काम करता है ना, उसके आइडिया के पीछे दो वजूहात होती हैं, एक उसकी मजबूरी और एक उसका शौक या पैशन। तो ये टीचिंग हमारा पैशन है, तो लिहाजा अब इस पैशन को पूरा करने का तरीका यही है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसके लिए या स्कूल मौजू हो सकता है या एकेडमी हो सकती है। तो हमने वसाइल को देखते हुए और अपनी अहलियत को देखते हुए एक छोटा सेटअप लिया एकेडमी का, और अब हम इंशाल्लाह इसे फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक अल्लाह की रहमत से लेके जा सकते हैं। इसी वजह से हमने ये एकेडमी का सेटअप लिया। आपके पास कितने बच्चे जो यहाँ पे एकेडमी में पढ़ने के लिए आते हैं? जी हमारे पास जब हमने स्टार्ट किया था तो तकरीबन एक से डेढ़ माह चार बच्चे थे, और वो मुसलसल हम पढ़ाते रहे। आपको पता है फितरत इंसानी है, इंसान को परेशानी भी होती है, लेकिन बैठे रहे, लगे रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये कोरोना का जो मामला आया है, इससे पहले 100 के करीब भी बच्चे थे, इससे बढ़ भी गए थे। अब कोरोना की वजह से ज़रा तादाद के अंदर ना कमी आई है, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशानी का सबब बन रहे हैं कि अब पता नहीं आगे हालात क्या हैं। कुछ एहतियात हैं, कुछ बैठने के मसाइल हैं, और कुछ बच्चों के आपस के पढ़ाई के मामलात के, होमवर्क के, स्कूल बंद हैं, करने के लिए काम कोई नहीं है, आना जाना है, ये सारे मामलात की वजह से ना काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इन हालात के अंदर। तो एक बच्चे की आप कितनी फ़ीस लेते हैं? हाँ जी ये ना कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है, ये डिपेंड करता है बच्चे पे, क्लास पे, और दूसरी चीज़ उसके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर भी कि कितनी की फ़ीस वो दे सकता है। लेकिन ये कोई फिक्स मामला नहीं है कि इतनी ही होगी और इतनी ही देनी है आपने। अगर कोई वालदैन बच्चों की फ़ीस पूरी ना दे सके तो आप उसको रिलीफ भी देते हैं कि नहीं? हाँ जी ये हमारी एकेडमी का नाम है प्रोफेसर साइंस एकेडमी। ये एकेडमी का नाम का आइडिया ही इस चीज़ के पीछे है कि मैं खुद प्रोफेसर साइंस एकेडमी से पढ़ के आया हूँ। टोबा ज़िला है पीर महल में, तो वहाँ पे जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे टीचर्स मुझसे फुल फ़ीस नहीं लेते थे, क्योंकि हम दे ही नहीं सकते थे। तो उस मोहब्बत में हमने ये फैसला किया कि हम अपने इदारे का नाम भी प्रोफेसर रखेंगे, प्रोफेसर साइंस एकेडमी रखेंगे। तो अब जो हालात हमारे थे, उसी हालात में कोई बच्चा हमारे पास भी आए तो हम लाजमन करते हैं, और हम इसमें खुशी भी महसूस करते हैं, बल्कि ये हमारा फ़र्ज भी है कि उसके साथ तआवुन करना। आपने तालीम कहाँ से और कितनी हासिल की? जी मैं अब रिसेंटली जी एमफिल कर रहा हूँ रिफा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, उलूमे इस्लामिया के अंदर। तो अब इंशाल्लाह वो कंप्लीट जब होगा उसके बाद पीएचडी की तरफ जाएंगे, अल्लाह खैर करे। तो आप अपनी एकेडमी का एड्रेस बता दें ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास पढ़ने के लिए आना चाहे तो वो आ सके आसानी। जी हमारी एकेडमी का एड्रेस है जी समनाबाद का, तो आपको पता है उसके अंदर एक कॉलोनी है गुलशन इकबाल, तो उसके सी ब्लॉक के अंदर प्रोफेसर साइंस एकेडमी है। तो आप वहाँ पे प्रोफेसर साइंस एकेडमी का नाम ले लें या औरंगज़ेब का पूछ लें, आपको इंशाल्लाह जगह मिल जाएगी। अगर कोई हमारी वजह से स्टूडेंट आएगा तो आप उसको डिस्काउंट देंगे? लाजमी देंगे जी, इंशाल्लाह लाजमी देंगे, क्यों नहीं देंगे। आप अपनी एकेडमी से कितने पैसे कमा लेते हैं? इसका जवाब ना मैं आपको रवायती तरीक़ाकार से हट के दूंगा कि औरत से उसकी उम्र, मर्द से उसकी तनख्वाह, और सियासतदान से उसकी इलेक्शन जीतने की वजह नहीं पूछते। तो अंदाज़ा ही लगा लेते हैं कि क्या अंदाज़ा होगा। सही है। कोरोना की वजह से आपके काम में और तलीम पे बच्चों की कोई असर पड़ा है खास? हाँ जी अब दो स्टूडेंट्स हैं जी, एक तो मेरे स्टूडेंट हैं, एक मैं खुद स्टूडेंट हूँ। तो अगर बच्चों के हवाले से देखा जाए तो बच्चों के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है और बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरे जो हमारे लेवल के बच्चे हैं उन्हें टाइम मिल गया अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करने का। तो मैंने तो काफ़ी कुछ पढ़ा समझा हासिल किया ये जो छुट्टियाँ आई हैं, लेकिन बच्चों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया। वो टेम्पो नहीं बन रहा बच्चों का, वो रिदम नहीं बन रहा, बच्चे मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार नहीं कर रहे,
और उसके बावजूद अब पढ़ना क्या है, सिलेबस का भी कोई इतना ज़्यादा मामला वाजे नहीं है हमारे सामने, इसलिए नुकसान तो हुआ है। अच्छा, तो आप अपने काम से खुश हैं? हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह खुश नहीं हूँ, मैं मुतमईन हूँ और मैं सारी उम्र यही काम करूँगा और इसके अंदर मज़ीद जो इनोवेशन लाई जा सकती हैं, बेहतरी लाई जा सकती है और किस तरह इस कौम को तमीर किया जा सकता है, कैसे नौजवान मसाइल जो शिकार हैं नौजवान, कैसे उनको हल किया जा सकता है, क्योंकि ये वाहद एक इंसान कर सकता है जिसे उस्ताद कहते हैं। तो अगर वो माशरे का बेहतर हो सकता है तो फिर वो उसे कौम खड़ी कर सकता है, अगर नहीं खड़ी कर सकता तो फिर उस्ताद के अलावा कोई ये काम कर नहीं सकता। आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आपसे तलीम हासिल करके कोई नुमाया पोजीशन या कामयाबी हासिल की हो तो उसका कोई तारफ करवाएं? जी, मेरी एक बच्ची मेरी स्टूडेंट है जी, वो मेरे से पढ़ी है माशाल्लाह, अब वो ईरान के अंदर MBBS कर रही है, तो वो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है। और मेरा एक स्टूडेंट है वो CS की तैयारी भी कर रहा है, इंजीनियरिंग के अंदर भी बच्चे गए हैं, तो ये फल है जी जो सब्र का है, ये इंशाल्लाह कभी ना कभी निकलेगा, लाजमी अल्लाह इसका अजर देता लाजमी है। और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने कारोबार शुरू कर लिए हैं, इंस्टीट्यूट बना लिए हैं, एकेडमीज़ बना ली हैं, कंप्यूटर साइंसेस में चले गए हैं, अब तो मैं YouTube के ऊपर भी बच्चों को बता रहा हूँ कि आप इस फील्ड के अंदर भी आएँ, तो इंशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें पता चला है कि आपका अपना YouTube चैनल भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, हम मेरा YouTube चैनल है जी औरंगज़ेब अली बाबर के नाम से, जिसका मौजू है कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, कि क्या मोटिवेशन इंसान के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। और ज़्यादा उस चैनल की ख़ास बात यह है कि अब जो नए इज़्म, नए फ़लसफ़े, नए मसाइल उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जो नए नए निज़ाम दिए जा रहे हैं ना, उनसे किस तरह बचा जा सके और उनका सदबाब क्या है, उस मौजू के ऊपर हम उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। आपने वोट किसको दिया था? इस दफ़ा चूँकि हम माइग्रेट होके आए हैं पीर महल से इधर, तो इस दफ़ा हमारा वोट बना ही नहीं था, उधर वाले नहीं बना सके, तो उधर बल्कि था हमारा, उधर जो था उसको मैंने देना नहीं था, तो इधर जिसको देना था इधर वोट नहीं था मेरा। तो आप खान साहब की हुकूमत से खुश हैं? हाँ जी जी, मैं खुश नहीं, मैं मुतमईन भी हूँ कि ऐसा ही होता है। जो अगर आप हालात को, मामलात को, तारीख को और मुल्की हालात को, शख्सियात को, सियासत के मैदान को समझते हैं ना, तो फिर आपको तसल्ली रखनी चाहिए कि ये ऐसा ही होना है। तो खान साहब ने जिस तब्दीली के आवाम के साथ वादे किए थे, क्या वो तब्दीली ला सके आप? अगर तो आप इंटेलेक्चुअल बात करें ना, तो वो तब्दीली आ गई है, तो अगर आप रवायती बात करना चाह रहे हैं जो है, तो फिर तो हम बर्बाद हो गए ना जी। लेकिन तब्दीली आ रही है, आएगी लाजमी, ठीक है ना। अगर आप देखें ना, अगर नहीं लाते इमरान खान साहब भी, तो हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है, क्या आप जरदारी के साथ या किसी और के साथ या इवन के इमरान खान के साथ भी हम खुश तो नहीं है ना, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं, तो लिहाजा हमने बुरों में से ना कम बुरे को सिलेक्ट करना है। अब आप देखने वालों को कोई अच्छा पैगाम दें? जी, पैगाम मेरा ये है जी सब देखने वालों को कि ज़िंदगी के अंदर कामयाबी के लिए 3 असूल लाजमी अपनाएं। पहला असूल ये हो कि आप बामकसद हों, दूसरा ये असूल हो कि आप मेहनती हों, और तीसरा असूल ये हो कि आप अपडेटेड हों, आप हर चीज़ जो नए मामलात हो रहे हैं उससे अपने आप को अपडेट रखें। इंशाल्लाह हो नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो, अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मैदान के अंदर इंशाल्लाह सुरखरू करेगा, कामयाब करेगा, और आप नमाया दुनिया के अंदर भी सुरखरू होंगे और आखरत के अंदर भी अपनी नुमाया पोजिशन के साथ अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। जी, जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके काम के अंदर बरकत डाले और अल्लाह आपके इस काम को लोगों के लिए सदका जारिया, आपके लिए सदका जारिया और लोगों के सीखने का सबब बनाए जी। और आपके इस चैनल को भी मैं कहूँगा कि देखें और नए नए इंटरव्यूज़ और नई नई मालूम के लिए, नई नई मालूम हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इनका साथ भी दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।